वाली फोगाट। मर्डर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम फतेहाबाद पहुंची। सीबीआई टीम ने भूतन कला में सोनाली के परिजनों से मुलाकात की और पूछताछ की। इस दौरान सीबीआई टीम ने सोनाली के भाई को मामले में सीबीआई दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी सौंपी और उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि गोवा के कर्लीज होटल में हुई सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही थी और कई अहम सुराग भी जुटाए थे, लेकिन परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आए और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र लिखा और मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम भूतन कला में आई थी और भूतन कला में आने के बाद में डीएसपी साहब थे राजेश कुमार, उन्होंने फोन किया था मेरे को कि बोले कि आप कहाँ। तो मैंने बताया कि मैं रतिया में हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आप घर कब तक आओगे, तो मैंने कहा जी 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। तो बोले कि हम यहाँ आए थे आपको एफआईआर की कॉपी देने के लिए, तो फिर वो मेरे पास रतिया ही पहुँच गए थे 15-20 मिनट बाद में और एफआईआर की कॉपी दी। वही दो अक्यूज जो सुधीर सांगवान और सुखविंदर हैं, वही 3 नोट 2 के तहत जो है 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था और जो मेरे द्वारा गोवा में जो